रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होता है लाइव टेस्ट सीरीज होती है कैसे लेना है बेटा कैटेगरी सेलेक्ट करना नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी क्यों इससे आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो गया और फाउंडेशन का भी ठीक है बड़ा महीना लोगे तो मंथ प्राइस घट जाएगा और उसके ऊपर अगर सोना जीरो फाइव जो मेरा कोड है लगा दिया तो एक्स्ट्रा दस प्रतिशत डिस्काउंट ठीक है सो इन फीचर्स को यूज करो आइकॉनिक प्लस का बड़ा भाई है प्लस के सारे फीचर्स है उसमें लेकिन पर्सनल मेन्ट और भी है लाइव डाउट सॉल्विंग होता है उसमें वीकली रिपोर्ट होते हैं होता है ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलती है ठीक है ना आइकॉनिक का प्राइस थोड़ा ज्यादा है बट यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स एज वेल राइट सो मेक श्योर की यू गो टू दैटेगरी सेलेक्ट द महीना एंड द कोड एंड यू कैन चेक दिस आउट एज वेल अगर यार थोड़ा सा डाउट में कि सर कैसे लें कभी किया ही नहीं तो पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड करो फ्री होता है बस ऐप पे जाओ डाउनलोड करो ऐप अगर डाउनलोडेड नहीं है यूज करो कोड सोना स्पेशल क्लासेस फॉर योर कैटेगरी फटाफट पढ़ो रियल टाइम है क्वेश्चन पूछो पोल्स अटेंड करो आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि ये कितना मजेदार है और बेटा अभी दो दो नए बैचेस खुले हैं एक मैट के लिए और एक एन के लिए ये पंद्रह तारीख को खुलेगे तो अगर आपने नहीं लिया है तो परहैप्स दिस इज अ वेरी बेस्ट टाइम टू टेक इट ठीक है तो गाइज पिछली कक्षा में हम कहा थे वी हैड फिनिश्ड प्लांटी और हम शुरुआत करने वाले थे एनिमेलिया की अब एनिमल इज द किंगडम ऑफ प्लेंटी प्लांट में तो चलो अच्छा अच्छा बस नन्हे मुन्ने पांच किंग, आ, फाइला, फाइला थे एंड यू वर लाइक सुपर अच्छा बहुत अच्छा है ना बट यहां पे कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी ठीक है बट डरना नहीं है वो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है सो एनिमल्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं भाई यू कैरिक मल्टी सेल्यूलर स्कीम हमने पिछली क्लास में देखा था वही है ठीक है पोर राइट दैट मींस ऑर्गेनिजम्स हैव होल्स दे आर नॉन मोटाइल हिल नहीं सकते बस नीचे बैठे बैठे चारों तरफ से पकड़ते रहते हैं चीजों को ठीक है सो दे लीड टू देव होल्स विच लीड टू अ कनाल तो उनकी पूरी बॉडी में आप देख रहे होल्स है इन्हीं होल्स से पानी आता है पानी अपने साथ खाना लेकर आता है खाना को इनके जो ये सेल्स है ना फ्लैजिला वाले उनको आप कहते हो को ये को चीजों को ट्रैप करते हैं और फिर डाइजेस्ट करके अपना काम चला लेते हैं ठीक है सो अः These animals are covered with a hard outside layer or skeleton, जिसको हम exoskeleton बोलते हैं। The body involves minimal differentiation, ना के बराबर आपको differentiation देखने को मिलता है। They are commonly called sponges क्योंकि they have a lot of holes just like a sponge। अब examples, guys, फिर से मैं बोल रहा हूँ, NCERT examples पढ़ो, Euplectella, Siphon and Spongilla. ठीक है? अब देखो, ये सब हम detail में कर चुके हैं। ये क्लास का नाम है एनसीआर सिर्फ एनसीआर टी की वैसी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जो पॉइंटेड आउट है जो हमें करना जरूरी है ठीक है चलो आते हैं पे जिसको आप निडेरिया भी कहते हो वंस अगेन लिव इन वाटर सारे लोग पानी में रहते हैं मोर बॉडी डिजाइन डिफेंसिएशन पॉलिफ्राइन दीज दीज यहां से लेके जो अभी बाकी पढ़ोगे ना इनको आप यू मेटाजोन्स कहते हो ठीक है There is a cavity in the body, एक सेकेंड uh, रुक जाओ yeah, हाँ सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑन द आउट साइड एंड अदर मेक्स द इनर लाइनिंग दो लेर आपको मिल जाती है दो लाइनिंग ऑफ सेल्स है सम ऑफ दीज दे लिव इन कॉलोनीज एग्जाम्पल दिया कोरल्स का यही कोरल्स के स्केलेटन में बहुत सारे एलगी रहते हैं एंड फैक्ट जो आपको कोई नहीं बताता कि हम भले ही एमेजोन को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं जो कि सही भी है एमेजॉन इज वेटी इम्पोर्टेंट बट फाइटो प्लान जो हमारे ओशंस में रहते हैं वो भी हमें बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं है ना और उनमें ये हाइड्रा के स्केलेटन में रह रहे एलगी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और एग्जाम्पल्स है जेलीफिश सी एनिमोस और उन्होंने देखो आपको तस्वीरें भी बना के दिखाई है अब स्टिंगिंग सेल्स का नाम ही होता है site, right? cyst, जो करके एक हार्पून टाइप स्ट्रक्चर को देता है जो हार्पून टाइप स्ट्रक्चर सामने वाले में एक टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है तो वो पैरालाइज हो जाता है और फिर ये उसको आराम से अपने टेंटिकल्स वाले हाथों से जाके उसको पकड़ के खा लेते हैं प्रेटीज सिंपल नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लैट वर्म्स प्लेटी हेलमेंटिसम्प्लेक्सी कॉम्प्लेक्सली डिजाइन अब कैसा फार मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है बाइलेट्रल सिमेट्री यानी कि दोनों तरफ जो है सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ठीक है थ्री लेयर्स ऑफ सेल अभी तक सिर्फ दो लेयर ऑफ सेल मिल रहा था अब हमें थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स मिल गया ठीक है और क्योंकि तीन लेयर ऑफ सेल्स इसी है इसीलिए आप ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हो लेट मी करेक्ट इट थ्री इम्ब्रॉयनिक लेयर जब वो इम्ब्रॉय स्टेज में उस समय तीन लेयर्स होते हैं एंड दोज थ्री लेयर्स फॉर्म ऑलमोस्ट एवरी लिविंग स्ट्रक्चर दैट यू पीपल है ठीक है सो इसीलिए ट्रिप्लोब्लास्ट ठीक है ना

Now, they are flattened Ventral मतलब वो जो आपका माउथ रखता है dorsal मतलब उसका ठीक उल्टा तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड इसीलिए पतले पतले फ्री लिविंग हो सकते हैं पैरासाइट हो सकते हैं एग्जाम्पल दिया है इन्होंने प्लेनेरिया का लिवर फ्लू का सो दे दे आर गिविंग यू अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स की भाई याद रखना की ये सारे आपके प्लेटी हेलमेंटिस हैं इसमें टेप वर्म का मेंशन तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि आप जानते हो टेप वर्म ऑल्सो कॉज ए ना अगर हम अनकुक्ड पॉर्क खा लें तो टेप वम से हमें टेनियासिस हो सकता है ठीक है अब आते हैं निमेटोड द बॉडी इज ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लो तीन लेयर्स और बराबर बराबर चीजें बटी हाइवर द बॉडी सिलिंड्रिकल वहां तक अभी तक फ्लैट था अब क्या हो गया भाई कहानी कहानी चेंज कहानी इज सिलिंड्रिकल राइट ठीक है नो रियल ऑर्गेन्स अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी मतलब जो बीच वाला लेयर है वो एक ही तरफ है बॉडी कैविटी का दूसरा तरफ जो है या तो अंदर वाला लेयर है या तो बाहर वाला लेयर है इसीलिए हम बोलते हैं ये ट्रू कै ट्रू सिलोम नहीं है बॉडी कैविटी नहीं है इसीलिए हम Very familiar parasitic worms जो हैं जो जो हमारे में वो वो बहुत सारे है। Elephantiasis, जो एक वुचेरिया नामक प्रजाति है, है. ये काम करता है। आप देख सकते हो दिस इज वुचेरिया है ना? वुचेरिया Elephantiasis करता है. और इसमें क्या होता है ना हमारे लिव वेसल्स जाम हो जाते हैं इसीलिए हमारा पैर हाथी की तरफ फूल जाता है ठीक है और द वर्म्स टू द इंटेस्टाइन राउंड वर्म्स पिन वर्म्स है ना आ, ये एक और एग्जाम्पल दिया गया है आपको एसकेरिस से क्वेश्चन आ जाता है कि मेल्स जो ना हमेशा दे है यानी सेक्शुअलीफरेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कितना हम एडवांटेज के लिए हम कितना ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं चलो अब की बात करते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी आर आल्सो सिमेट्रिकल आप बोले सर इसमें ग्रेट क्या याद करना पड़ रहा है और क्या दिस अलाउज टू ऑर्गन्स टू बी पैकेज इन द बॉडी स्ट्रक्चर दर्गेन डिफ्रेंसिएशन बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है और ये डिफरेंशिएशन सेगमेंटल फैशन में होगा एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से लाइन अप होता है फ्रॉम हेड टू टेल इसीलिए कहते हैं इसको मेटामेरिज्म ट्रू सेगमेंटेशन ओके तो गाइस दीस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको पढ़ने जैसा आप देख रहे हो देयर इज नथिंग मोर इन डिटेल ये एग्जांपल्स हैं नेरिस अर्थवर्म लीच अर्थवर्म इज फेरेटिमा लीच इज हिरुडिनरिया गोस आफ्टर द पिगमेंट सॉरी प्रोटीन हिरुडिन जो आपका नेचुरल एंटीकोलेट है तो जब ये लोग खून चूसते हैं ना ब्लड को क्लॉट करने भी नहीं देते प्रोबेबली मोस्ट ह्यूज किंगडम लार्जेस्ट सॉरी नॉट किंगडम फाइला है ना इसी में इंसेक्ट्स भी आते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अब ये क्या नया वर्ड है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो चीजों को घुमाए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि एक मोटर है हार्ट उससे जो पाइप निकल रही है उनको कहते हैं ब्लड वेसल्स अब ये ब्लड वेसल्स ओपन एंडेड को लिया जा रहा है इंटरनल ऑर्गेन्सुइड में नहा हैं इस चीज को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है अपने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो वेसल्स है दे आर क्लोजे सर अगर क्लोज है तो बाहर कैसे जाएगा डिफ्यूजन से बाहर जाता है वहां से ठीक है सिलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड जो सिलोम कैविटी है ब्लड फिल्ड है यानी सारे ब्लड में नहा रहे होते हैं आर्थ्रो आर्थ्रो का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों रहा Arthro मतलब jointed, मतलब जॉइंटेड पोडा लेग्स प्रॉन्स बटरफ्लाई स्पाइडर्स स्कॉर्पियंस क्रैब्स ये सारे ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स यू कैन रिमेम्बर ठीक है आई नो थोड़ा ज्यादा है बट क्या करें बेटा ये पढ़ना तो पड़ेगा यू कांट स्केप दिस अब आते हैं मोलस्का पे

ठीक है ना एक मीं स्पाइनी हेज हॉक बेसिकली स्पाइन एंड डर्मा स्किन यानी इनका स्किन जो है spiny है स्पाइनी स्पाइनी हैिजम्स ठीक है फ्री लिविंग मेडीन एनिमल्स हैं ट्रिप्लो प्लास्टिक है सीलोम है पेक्यूलरली वॉटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम तो पानी के प्रेशर से अपना ट्यूब चलाते हैं अपना फीट को चलाते हैं तो इनका भी सराउंडिंग को इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा प्यारा है दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर में भी मिला था एग्जाम्पल सी स्टार्स सी एंड ऑब्वियसली योर ओन स्टार फिशेज ठीक है नाउ प्रोटोकॉर डेटा बिफोर वी गो टू द कॉर्डेटा डेटा विच विल डू इन द नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वॉट इज प्रोटोकॉर डेटा देखो अगर आपके पास चार फीचर्स हैं तो हम कह सकते हैं यू आर अर्डेट वट आर द फोर फोर हॉलमार्क फीचर्स नोटो कॉर्ड नर्व कॉर्ड राइट एंड फेरिंजियल स्लिट्स डोंट वरी ये सब अगले क्लास में दोबारा रखता हूँ एंड पोस्ट एनल टेल अगर ये चार फीचर्स हैं तो आप कॉर्डेट बट अगर कॉर्डेट हो

but at least in some stage there is notochord is a rod-like structure support ke dekho, ab, abhi chohai, there was plenty of food ab jitna aap chalogi, utna that runs along the animal separating the nervous system from the gut nervous system or gut co-separate right it provides a place for muscles to attach for ease of movement protochordates may not have proper uh, notochord at all stages but किसी ना किसी स्टेज पे होना चाहिए इनफैक्ट दैट इज क्लासिफाइंग क्राइटेरिया कि हम नोटो तो, प्रोटोकॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेट क्यों बोले कॉर्डेट क्यों बोले क्योंकि किसी स्टेज पे तो था अब ये सब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बलानोग्लासिस हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सिस ठीक है सो ट्राई टू रिमेम्बर सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स अगर पूछ लिया गया तो ठीक है वी विल टॉक अबाउट मोर इन दी कमिंग अच्छा एक चीज और देर आर टू स्टफ्स इज हेमी कॉर्डेट एज वेल जो यहाँ मेन्शन नहीं है इट इज नॉट अ कॉर्डेट फाइलर ठीक है सो विल टॉक अबाउट दैट इन द दमिंग क्लास ठीक है तो एक और वीडियो एंड यू विल बी डन विद द इंटायर डायवर्सिटी का एक्सप्लेनर -E बेटा एनसीआर टी एक्सप्लेनर का पर्पज आपको कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं है यू हैव ऑलरेडी डन दैट एक्सप्लेनर का एक सिंपल पर्पज है एनसीआर के वो छुपे हुए स्टेटमेंट से आपको अवगत कराना जो शायद कभी ना कभी आ सकते हैं ठीक है सो गाइज कोर्स फॉर एन टी सी प्रैक्टिस जो आपके लिए अवेलेबल है ट्यूजडे टू फ्राइडे सिक्स फोर्टी फाइव रन करता है एंड यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अमेजिंग तरीकों से ठीक है टाइमिंग यू ऑलरेडी नो है ना आठ बजे लाइव क्लासेस यूट्यूब पे साढ़े पांच बजे स्पेशल और सिक्स फोर्टी फाइव पे प्लस क्लासेस ठीक है